वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा से सीधे कसार देवी मंदिर, और ये रास्ता वही है कसार देवी मंदिर वाला, क्योंकि दो तीन मोड़ के बाद कसार देवी मंदिर आ जाएगा। और इस रास्ते पे जाते हुए ना मुझे अपना बचपन याद आने लगा है कि हम यहाँ पे जाते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसे सब सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी घूम रही है। और अल्मोड़ा से जो कसार देवी कि जो दूरी है वो 24 से 25 किलोमीटर होगी, क्योंकि बाहर जो बोर्ड था ना, जैसे हमने कसार देवी मंदिर के लिए एंटर किया था अल्मोड़ा से, तो वहाँ पे लिखा था 11 किलोमीटर, पर 11 नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि फिर हमने आते वक्त नोटिस किया था यार कि इतना तो था नहीं, लिखा तो 11 ही था, पर इतना ज़्यादा हो कैसे गया, क्योंकि हम भी फिर पूछ पूछ के जा रहे थे कि कसार देवी मंदिर है कहाँ पे, है कहाँ पे, क्योंकि हमें डर लगने लगा कि हम कहीं गलत रास्ते तो नहीं आ गए, क्योंकि मैं इस रास्ते से ना पहली बार जा रही हूँ। मैं जब भी मंदिर गई हूँ, जितनी बार भी गई हूँ, मैं दूसरे रास्ते से गई हुई हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था। और इसीलिए क्योंकि हम सीधे अल्मोड़ा से गए थे कसार देवी के लिए, तो बस अब आने ही वाला है मंदिर। और पर ये था कि जैसे बचपन में कभी कभार हम ऐसे पैदल थोड़ा सा आ जाते थे इस रास्ते को, जैसे मंदिर जाते थे, तो वही थोड़ी सी धुंधली सी यादें मुझे याद आ रही थी कि हम यहाँ को आते थे। तो ये जो गेट है ये मंदिर के लिए है, यहाँ से ऊपर को हम मंदिर को जाते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। और हम अभी सोच रहे हैं कि हम अपनी बाइक को ना कहाँ पर रोकें, तो हम जो दुकान है सामने, इस दुकान से हम बचपन में खाने पीने की चीज़ें लिया करते थे, तो वो याद आ रही थी मुझे। अब तो सब कुछ नया बन चुका है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। तो हाँ, ये रास्ता वही है, सेम वैसा ही है जो पहले था। और अभी टाइम जो हुआ होगा वो 2 के आसपास ही हुआ होगा, क्योंकि हाँ हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। बस जैसे ही अंदर आए, तो यहाँ पे जैसे हम अंदर आए ना, तो एकदम चेहरे पे खुशी, और मेरी तो इतनी खुशी थी कि मैं बता भी नहीं सकती। और कन्नू मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था, वो भी एकदम खुश हो गए थे इस देख के कि कितना शांत वातावरण है और कितनी अच्छी जगह है, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं इस मंदिर पर। तो अभी अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का जो भी सीन है और जो मैंने अपने इस कैमरे में लिए हुए हैं। तो यहाँ पे पता है ये पार्किंग सी बन गई है बड़ी गाड़ियों के लिए, पहले ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो इसीलिए कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत नई हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले नहीं था ये, आपके 4-5 साल पहले तक तो नहीं था, तो उसके बाद ही हुआ होगा। और मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 5-6 साल हो चुके होंगे अब आ रही हूँ मैं, तब से मैं अब आई हूँ यहाँ पे। बचपन में तो यार साल में 3-3, 4-4 चक्कर हमारे लग जाते थे, पता है कसार देवी के लिए, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, बस मंदिर जाना है। सबसे ज़्यादा तो मैं मम्मी के साथ आई हूँ यहाँ पे, फिर दोस्तों के साथ, अपनी दीदी के साथ, तो बहुत ही आते थे। और हमारे गाँव से भी जाते थे यहाँ पे, भोग लगता था माता को, तो तब भी मैं गई हुई हूँ, उस खाने की भी मुझे याद आ रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, एकदम सांस पता है फूलने लगी थी, क्योंकि आदत थोड़ा छूट सी गई है ना चलने की ऊंचाई पे, पर ऐसा नहीं है, चल सकती हूँ अभी भी, तो सांस थोड़ा सा फूल रही थी और तो कुछ नहीं, पर खुशी इतनी थी ना चेहरे पे।
पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर के पास। और देखिए सब चीज़ यहाँ पे नई बन चुकी है, इतना बड़ा बन चुका है ये बैठने के लिए। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले बस एक मंदिर हुआ करता था और बहुत अच्छा लगता था, एकदम सुकून सा। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये कुछ चीज़ें बहुत नई बन चुकी हैं। और ये जो दो शेड आपको दिख रहे हैं ये भी नए हैं, पहले तो नहीं थे। बस अब हम जा रहे हैं मंदिर में, और यहाँ पे माता की जो मूर्ति पहले ही अलग थी अब चेंज हो चुकी है। तो इससे ऊपर जो है ना वो शिव जी का मंदिर है, और यहाँ से ऊपर से अगर नीचे को आप फोटो खींचोगे ना इतनी सुंदर लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए थे, और मुझे ये टैंकी की याद आ रही थी, बचपन में हम यहाँ पे जब खाना खाते थे ना ऊपर, तो उसके बाद हाथ धोने के लिए आते थे, वही सब चीज़ें याद आ रही हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ जा रहे हैं। देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए, पहले से ही बचपन में जब मैं इसके किनारे किनारे है ना सीढ़ियों की, तो यहाँ से चलते हुए जाती थी ऊपर के लिए, वो सब चीज़ें मुझे याद आ रही थी। और यहाँ पे काफी बड़े बड़े पत्थर भी हैं, चुके हैं ऊपर शिव जी के मंदिर के पास। तो ये मंदिर है ना, मंदिर तो उसी जगह पे है पर सब नया बन चुका है मंदिर, और ये चीज़ भी यहाँ पे नई आ चुकी है जो भोले बाबा की है। तो यहाँ पे हम बहुत पहले बहुत पूजा करते थे, वही चीज़ मैं ध्यान से देख रही हूँ अभी। और तो इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी नई हैं, और पहले से हम जो ये बहुत बड़ा आपका नेटवर्क का दिख रहा है इसको हम बड़े ध्यान से देखते थे कि कितना बड़ा है कितना बड़ा है करके, वो सब चीज़ें याद आ रही थी। और यहाँ पे घर भी हैं काफ़ी, और काफ़ी बड़ा बन चुका है ये भी, और इतना शांत है ना, शांत जगह है, मन करता है कि पूरे दिन ही रहो। और यहाँ से देखो नीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से लगते हैं, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों के पास। तो थोड़ी देर बाद हम दर्शन करके वापस नीचे की ओर आ रहे थे।